हेलो फ्रेंड्स, अब सहारा निवेशकों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। जी हां दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अब सहारा पीड़ितों की लड़ाई कांग्रेस की अपनी लड़ाई है। अब कांग्रेस बढ़ चढ़कर सहारा पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेगी, सहारा पीड़ितों के हित में आवाज़ उठाएगी। क्या है पूरी खबर, अजय राय ने और क्या क्या बातें कहीं, क्या है कांग्रेस का प्लान जिससे कि सहारा निवेशकों का भुगतान बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की नई नई जानकारियां और खबरें सिर्फ आपको यहीं पर मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय वही हैं जिन्होंने बनारस में चुनाव लड़ा था मोदी के खिलाफ। अभी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि सहारा के निवेशक, जिनकी संख्या पूरे देश में 13 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों में संख्या है, ऐसे में जब 10-12 साल से सहारा निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा है तो अब कांग्रेस सहारा पीड़ितों की आवाज़ हर स्तर पर उठाने जा रही है। अजय राय जी ने कहा है कि हमारे जितने भी विधायक हैं उन सबको पत्र लिखा जा रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस के विधायकों के अलावा सभी विधायकों को भी पत्र लिखा जाएगा कि वो आगामी विधानसभा सत्र जब भी हो उसमें सहारा पीड़ितों का मुद्दा उठाए और भुगतान के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए। साथ ही साथ अजय राय ने कहा कि वो शीघ्र ही राहुल गांधी जी को भी पत्र लिखकर सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए आवाज़ उठाने का आग्रह करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनावों में कई जगहों पर राहुल गांधी जी को ज्ञापन सौंपा गया था सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर, और उन्होंने वादा भी किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पाई पाई का भुगतान करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और पुनः एक बार मोदी जी हैं, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए और इन 4 महीनों में भी वही कार्यप्रणाली दिख रही है जो पिछले 10 साल से मोदी सरकार की रही है, अर्थात सहारा निवेशकों को इग्नोर करने का मुद्दा। जब भी मोदी सरकार से इस बाबत सवाल पूछा जाता है तो वो लोग पोर्टल का बहाना बना देते हैं कि पोर्टल से भुगतान हो रहा है, या फिर हवाला दे दिया जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। आज भी मोदी सरकार की इच्छा नहीं दिखती है कि वह सहारा निवेशकों का भुगतान करे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब क्या होगा, तो अब इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कसी है। कांग्रेस का कहना है कि अब सहारा निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और हर स्तर पर अब इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। शुरुआत इसकी विधानसभा से होगी। आगामी कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस इन विधानसभा क्षेत्रों में सहारा के मुद्दे को जरूर उठाएगी और मोदी सरकार और योगी सरकार पर भुगतान को लेकर दबाव बनाएगी। ऐसे में यह बहुत बड़ी खबर है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों के बाद अपना पल्ला झाड़ लेती है और तो ऐसे में कांग्रेस का कहीं ना कहीं इस ओर कुछ पॉजिटिव सोचना या फिर पॉजिटिव करने की मंशा रखना भी काफ़ी बड़ी बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अजय राय जो बातें बोल रहे हैं उस पर वो खरे उतरेंगे और आने वाले दिनों में सरकार पर, योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सहारा पीड़ितों का, सहारा निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो यह एक बहुत अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।